बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो NOS 2023 में अप्रैल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब उन स्टूडेंट्स ने अपने TMA को सबमिट कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो TMA सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो अब जिन्होंने सबमिट कर दिया है उनको क्या करना है और जिन्होंने सबमिट नहीं कर पाए हैं उनको क्या करना है, उसको लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आप हो NOS के अप्रैल 2023 के स्टूडेंट तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, NOS एक्सपर्ट। ये चैनल है आपका VCIC गुरुजी, और इसको इतनी जल्दी ग्रोथ दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ TMA अगर आपने सबमिट कर दिया है, और अगर आप अभी आप अपने TMA में अपडेट देखो तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका दिखाया जाएगा कि आपका TMA सबमिटेड ऑनलाइन, बट वहाँ पे दिखा रहा है कि एलोकेटेड पेंडिंग है या इवेल्यूशन पेंडिंग है अभी, और कोई भी मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी है तो इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो आपके TMA ऑनलाइन अपलोडेड दिखा रहा है, इसका मतलब द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो NOS ने आपको दी थी वो आपने पूरी कर दिया, आपने अपने TMA को ऑनलाइन सबमिट कर दिया है। अब इसको एलोकेट करना मतलब टीचर्स को देना चेक करने के लिए, और फिर टीचर जब चेक करता है तो इवेल्युएट करता है। तो एलोकेट करना और इवेल्युएट करना ये NOS के स्टडी सेंटर का काम है, NOS के रीजनल सेंटर का काम है, इसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं है। आपको इस बात से भी परेशान नहीं होना है कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं चढ़े हैं, आपके मार्क्स 101% चढ़ाए जाएंगे, चाहे वो कभी भी चढ़े, थ्योरी के एग्जाम्स के बाद चढ़े या थ्योरी के एग्जाम से पहले चढ़े, लेकिन वो मार्क्स आपके अपडेट हो जाएंगे। कुछ ऐसे खुश नसीब स्टूडेंट हैं NOS के जिनके स्टडी सेंटर बहुत ही एक्टिव है, उनमें से एक स्टडी सेंटर हमारा भी है। हमने भी अपने स्टडी सेंटर के सभी TMA के जो हमारे पास TMA सबमिट हुए थे स्टूडेंट्स के, उनको हमने टीचर्स को एलोकेट किया, और हमारे टीचर्स ने उनको इवेलुएट भी कर दिया है। हमारे जितने भी स्टडी सेंटर के स्टूडेंट थे उनके डैशबोर्ड में TMA के मार्क्स शो होना शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टडी सेंटर हैं जो अपना काम टाइम पर निभा रहे हैं, तो उनका आप देखोगे तो उन स्टूडेंट्स का डैशबोर्ड में मार्क्स आ गए हैं। तो जिनके मार्क्स आ गए हैं उन्हें तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, और जिनके नहीं आए हैं उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके TMA के मार्क्स भी आ जाएंगे। अब चिंता किसे करनी है, जिन्होंने अभी तक अपने TMA ही सबमिट नहीं करे। अब जिन्होंने अपने TMA सबमिट ही नहीं करे हैं अभी तक, तो उनके पास भी अभी भी ऑप्शन है। वो TMA की लेट फीस 1500 रुपये पर सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट के 7500 रुपया आप जमा करके TMA की लेट फीस जमा कर सकते हो, और उसके बाद अपने हैंड रिटन TMA बना के आपको सबमिट करने होंगे अपने रीजनल सेंटर में। अब रीजनल सेंटर अगर आपके अप्रोच में है, नियर बाय है, तो बाय विजिट कर लीजिए, बाय आप विजिट करने के बाद वहाँ पे बाय हैंड दीजिए और उसकी रिसीविंग लीजिए। और अगर रीजनल सेंटर आपके कहीं 100 किलोमीटर 200 300 किलोमीटर दूर है तो जाने से अच्छा है कि उसका एक रजिस्टर्ड पोस्ट कर दीजिए, अपने 5-6 TMA जो भी आपने बनाए हैं उसका फ्रंट पेज बनाकर सब कुछ करके आप जो है तुरंत रीजनल सेंटर में अपना जो है पोस्ट कर दीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, तो आपके TMA को अपडेट कर देंगे, लेकिन वो लेट फीस के बाद ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन फीस ही सबमिट नहीं कराया अपना अप्रैल के लिए, तो ऐसे सभी स्टूडेंट को बोल दूँ कि एग्जामिनेशन फीस तो क्लोज हो चुका है। बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं कि सर लेट फीस के साथ करा दें, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दें, तो ना ही लेट फीस ना ही कोई एक्स्ट्रा पैसा, कोई भी अब आपका अप्रैल के लिए एग्ज़ाम नहीं करा सकता है अगर आपने अप्रैल की एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं दी है। अब आपको जो है अक्टूबर नए सेशन के लिए वेट करना होगा, अक्टूबर 2023 में आप एग्ज़ाम दे पाओगे अगर आपके 5-6 एग्ज़ाम पेंडिंग है, और अगर आपके 1-2 एग्ज़ाम कुछ पेंडिंग है तो आप जो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए मूव कर सकते हो, वो मार्च में भी दे सकते हो और जून जुलाई में भी दे सकते हो। तो इसी तरीके की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ VCIC गुरुजी के साथ में, आपको हमेशा अपडेट रखेंगे ताकि NOS की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपका सॉल्व कर सकें, आपकी मदद कर सकें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सअप कीजिए या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।